प्यारे दोस्तों, आज हम ये सीखेंगे कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत ही नज़दीक से टर्न कर सकते हैं। देखो दोस्तों, इसकी और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो लगभग मेरे हिसाब से 3 फुट है। 3 फुट इसका डिस्टेंस है, तथा अगर मैं स्टीयरिंग को अच्छी तरह से घुमा दूं, बहुत अच्छी तरह से टोटल इसके टायर इस तरफ हो जाएं, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को आसानी से इस तरफ घुमा के ले जा सकता हूं। ओके, यानी 3 फुट के डिस्टेंस से आसानी से किसी चीज़ को क्रॉस किया जा सकता है। इसको मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो, इसकी खास बात क्या है, आपको जो आपका ये स्टीयरिंग है ना, इसको एंड पॉइंट तक घुमाते जाना है। अभी तो ये लॉक लग गया। इसका मैं एक लॉक खोलता हूँ, आपको बताता हूँ। ये देखो, ये स्टीयरिंग है, इधर आइए देखिए। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को जो नज़दीक में इसको क्रॉस करना है, तो मैं इसको पूरा ही घुमा दूंगा। अगर इसको मैं नहीं घुमाऊंगा, टोटल जितना घूम सकता है उस टायर को देखो कितना घूम लिया है, अभी इधर तक ही घूम गए हैं। क्योंकि इसका मतलब ये भी है कि अगर ये टायर इधर तक घूम गए हैं, तो 3 फुट ये है और 2 फुट ये है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके बिल्कुल पास में भी हूँ, तब भी मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ। देखो, मैं इसको थोड़ा कुछ और घुमा के आगे लेके जाता हूँ, हल्का सा गाड़ी। ये देखो, मैं हल्की सी गाड़ी और भी लेके जाता हूँ, हल्का सा। मैं थोड़ा सा स्टार्ट करके देखता हूँ आपको, दिखाता हूँ एक मिनट हल्के से। अभी नहीं हुआ नींद, एक मिनट मैं करके देखता हूँ। अभी भी गाड़ी लगभग 2 फुट हो गई है। कुछ और मैं लेके जाता हूँ इसको, अभी और लेके जाता हूँ। अभी लगभग 1.5 फुट का डिस्टेंस है। अब मैं इसको घुमाता हूँ, वैसे ही घुमाता हूँ जैसे मैंने आपको बताया था, पूरा स्टीयरिंग घुमा लूंगा। स्पीड इसको पहले पूरा घुमा लूंगा। हमने क्रॉस कर दिया।